दोस्तों, जब हम महाभारत की कथाएं सुनते हैं तो हमें ये प्रश्न अवश्य होता है कि आखिर महाभारत के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ और अब सुदर्शन चक्र कहाँ है। दरअसल सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र था और इसे उनके ही अवतार धारण कर सकते थे। यह अस्त्र एक साथ कई कार्य कर सकता था। चलिए आपको बताते हैं कि पूर्व काल में इस सुदर्शन चक्र से कौन से पांच महान कार्य हुए थे। सबसे पहले सुदर्शन चक्र से ही भगवान विष्णु ने भगवान शिव को शोक मुक्त कराने के लिए माता सती के पार्थिव शरीर के 51 टुकड़े किए थे, जिससे 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए हैं। रामायण में वर्णित है कि रामायण काल के पहले भगवान नारायण ने देवताओं की सहायता के लिए रावण के पूर्वज माली, माल्यवान और हजारों असुरों का वध किया था। महाभारत काल में भी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही पापी शिशुपाल का वध किया था। महाभारत में भी जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, तब सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल से ही समय को रोक दिया था। तब रुके हुए समय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का पूरा ज्ञान दिया था। महाभारत में जब अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्य ढलने से पहले मारने का वचन लिया, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही सूर्य को ढक लिया था। महाभारत के युद्ध के बाद आखिर जब श्री कृष्ण ने सोमनाथ के पास भालका तीर्थ में देह त्याग किया था, तब सुदर्शन चक्र का क्या हुआ था? इसके जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार सुदर्शन चक्र को सिर्फ भगवान विष्णु या उनके अवतार ही धारण कर सकता है। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग किया, तब सुदर्शन चक्र भी पृथ्वी में वही समा गया था और भविष्य में जब कल्कि अवतार धरती पर जन्म लेंगे, तब वह सुदर्शन चक्र को दोबारा पृथ्वी गर्भ से ग्रहण करेंगे। दोस्तों, ये थी महान सुदर्शन चक्र की कहानी। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो सभी को शेयर कीजिए और यदि आप भगवान विष्णु में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।